महावीर मिशन ट्रस्ट मुंबई हैदराबाद द्वारा आयोजित एक देश एक संकल्प गाय माता राष्ट्र माता कार्यक्रम संत श्री नीलेश चंद मुनि की निश्रा में वाई जी चौहान हाल में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत नीलेश चंद मुनि, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधायक यामिनी जाधव, ओल्ड किंग पृथ्वीराज कोठारी और ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष हार्दिक भुंडिया सहित अन्य महानुभावों की विशाल हाजिरी में यह विशिष्ट समारोह का आयोजन हुआ। अंधेरी जेबी नगर स्थित कातिंग जैन मंदिर 3 दिनों तक बंद रखा गया था। जैन धर्म के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उस रात को अपने आक्रामक विचारधारा और धर्म के प्रति समर्पित भावना रखने राष्ट्रीय संत नीलेश मुनि ने हार्दिक भुंडिया के साथ मिलकर रात को 3 बजे दादा के मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे। इस घटनाक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बहुत ही साथ रहा। इस घटना में जैन समाज के प्रति जागृति लाने वाले राहुल नार्वेकर, हार्दिक भुंडिया का विशेष सम्मान किया गया। श्री महावीर मिशन ट्रस्ट मुंबई हैदराबाद के निर्माण 2550 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक देश एक संकल्प व माता राष्ट्रमाता अभिनंदन सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। प्रखर गौरक्षक जीवदया प्रेमी राष्ट्रीय संत श्री नीलेश चंद्र आचार्य जी की निश्रा में जैन शासन में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने वाले महानुभाव गाय माता की प्रतिमा शाल और माला एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित हुए। और हमारे तरुण भाई से जिनका गो सेवा में सहयोग रहता है, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी चांदी की प्रतिमा महाराष्ट्र गौ रक्षा गौ संरक्षण के मैं सूत्रधार जिन्होंने कहा, मैं लपके से जाजोदिया से कहना चाहता हूँ कि ये भव्य साल आपको हो रहा है, सब साइड में आ जाइए। नहीं, ये शब्द हमारे शंकर जी का करके जो राष्ट्र अभिमंत्री है, आपको जगाना चाहता हूं। पृथ्वीराज कोठारी को कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे में मस्त है। कांतिलाल जी भी अपने व्यापार में मस्त है। यदि आप यदि नील से भूलोगे तो ऐसे भामाशाह के अंदर समाज में कमी नहीं है। और वो सोने का मंदिर बना सकता है तो गौ माता को राष्ट्र माता हमारे मोहन खेड़ा से ही घोषित हो। और खास करके जब आप मोहन खेड़ा के तो हमारा आना हमारा फर्ज बनता है। आपका कोई भी आदेश होए, कोई भी आपका विचार भी होए तो हमें बताइएगा। मोहन खेड़ा के लिए हो या जैन समाज के लिए हो, हमें जैन में सबसे बड़ी हमारी कमजोरी जैन में ये कि हम लोग मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं। अगर कोई भी चुनाव होता है, जैसे मुस्लिम का आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, नार्वेकर जी बराबर है 4 पॉइंट लिख के देते हैं कि हम आपको वोट देंगे, हमें ये चीज चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है कि जैनों ने कभी आपको कहा है कि हमको ये चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी अलग गिनते नहीं। हम लोग समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है और हम उसके हैं। बट हमें अभी चाहिए कि हमारा जैनों का भी एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। सबसे बड़ी हमारे में मुनि जी है कि हमारा कोई फेस वैल्यू नहीं है। जैनों का एक पहले डिजिटल गाड़ी जैसे होते थे, एक फेस वैल्यू होती थी कि उनकी बातों को लोग प्रधानमंत्री जी भी सुनते थे। बट आज के टाइम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इतने गज पंथ और साधु लोगों ने हमको इतना बांट दिया है कि हम लोग खुद नहीं पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हमें चाहिए कि हमें एक फेस वैल्यू चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि जनों का कर सके और जाके आपसे कमिटमेंट करे कि हम जीतने के बाद में हम आपको हमारा पूरा वोट देंगे और हमें इस तरह की सुविधा चाहिए। जैन धर्म, जैन जन्म लिया है वो दूसरों के लिए ही लिया है। जैन कभी खुद के लिए जिया नहीं है, उसके खून में सेवा ही है। वो कभी खुद के बारे में नहीं सोचता है कि मुझे अच्छा घर चाहिए, पर लक्ष्मी सरस्वती और जिसकी सही कदर होती है वो जैनों के यहाँ होती है। इसके लिए जैनों के यहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है और हर जैन दिमाग से हर जगह से वो आदमी सक्षम रहता है। सनातन धर्म और जैन धर्म के संरक्षण और इन धर्मों को आगे ले जाने के लिए जिनने बेड़ा उठा लिया है, ऐसे हमारे वीर जैन भाई बहन, सर्वप्रथम गुरुजी के माध्यम से आप सभी को आने वाली दीपावली की
शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि दीपावली होती है भगवान के आगमन के हेतु उत्सव मनाने के लिए। और मैं समझता हूं आज हमारे जैन भाई जैन बहने सही मायने में दीपावली का उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के आदेश पर ताले खुलवाकर भगवान के आने के रास्ते खुलवा दिए। आज आपका एक देश एक संकल्प गो माता राष्ट्र माता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, हमारे सनातन की जो मूल जड़ है, वो हमारी गौ माता है। और कहा जाता है इस गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवता है। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं होगी, तब तक कोई किसी की पूजा अर्चना होगी नहीं। परंतु नरेंद्र मोदी जी योगी जी जैसे विचारधारा के हिंदू लोग आए और भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए जितने मरे हैंगे और जितनी गौ माता के लिए जिन्होंने अन्य बलिदान दिया, शायद कोई गया नहीं होगा। तो महाराष्ट्र के अंदर एक सरकार बनने के बाद हमने जो महाराष्ट्र गौ रक्षा गौ संरक्षण का जो शुभारंभ हमने अमरावती से किया था, जो हमारे लप्पे से जाजोदिया के द्वारा, अब यही मुंबई से स्टार्ट होगा। हम गाय गौ माता को राष्ट्र माता घोषित तो कर दिया, मगर उसका संरक्षण कौन करेगा, उसका पालन कौन करेगा? तो हमारा सकल जैन समाज राजस्थानी 36 कौम समाज हम संरक्षण करेंगे, गौ माता को हम कटने दिख रहा। यदि गौ माता को भी राज्य माता घोषित किया है तो हम जाएंगे जो गांव गांव के अंदर गौ रक्षा बनाएंगे, गांव गांव के अंदर गायों के लिए अच्छा स्थान बनाएंगे और गायों के विकास के लिए हम कहेंगे कि गाय बेचना हो तो हिंदुओं को बेचो, क्योंकि गाय बेचने वाला हिंदू है ना, काटने वाला कौन है? मुसलमान है, बराबर ना। तो हम चाहते हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित, तो मेरा पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे दुनिया भर में मेरा महाराष्ट्र गौ रक्षा संरक्षण अभियान एक महावीर मिशन जो ट्रस्ट वो हैदराबाद से चलता है, उसकी पहली जो संरक्षण का यात्रा मेरे अमरावती में होगा, जिसका आयोजन हमारे लप्पे से जाजुआ थे। दूसरा ये जो आयोजन हुआ है हमारे रमेश जी शाह, हार्दिक जी हुंडिया, दिनेश जी जैन, मंगल प्रभात जी हमारे बल्लोटा, साथ में हमारे तरुण जी जैन, दिनेश जी जैन, विश्व हिंदू परिषद के जैन, हमारे डॉक्टर प्रतीक जी, ये इन्होंने क्या है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक रथ बनाया जाएगा। रथ के द्वारा हम गौ माता को गांव गांव के अंदर, अभी तो मेरा एक मिशन है कि महाराष्ट्र को गौ माता राज्य माता, अभी रथ बना के हम राजस्थान में भी जाएंगे गौ माता को राज्य माता घोषित करने के। गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो अंधेरी में जो मंदिर खुला गया है, तीन दिन बंद था, तो आप बार बार ये बोल रहे कि जैन वाले आपके जो जो सदस्य जो भी है तो आए नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन देखिए, एक बात सुनिए, कम से कम हम संगठित नहीं है। तो योगी जी ने कहा है ना, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारे लप्पे से जाजुदिया जी ने मुझे कहा और मुझे कहा कि गुरुजी आप मुंबई में हो और आपके कारण तो हज़ार पाँच हज़ार मेरे सभा में आते हैं, परंतु वो जैन कहाँ गए थे? आज पहली बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आना पड़ा, किसको खोलने के लिए? ध्यान रखिए, बड़े बड़े नेता वहाँ गए, आप ना बड़े बड़े नेता गए वहाँ, बड़े बड़े नेता समझ गए आप, वो भी नहीं खोल पाए, तो एक जैन मुनि को जाना पड़ा। ये पूरा श्रेय हमारे हार्दिक जी हुंडिया और साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल RSS को जाता है। अब जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बोला ना तुम्हें, बोला ना। हार्दिक सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके साथ खड़े रहे? देखिए, हार्दिक जो हुंडिया है एक कड़वा इंसान है, सोच बात है, क्योंकि कोई भी कड़वाई दवाई लेना नहीं चाहते, क्योंकि जितनी कड़वी दवाई होती है उसका असर उतना ज़्यादा होता है, बराबर। हार्दिक हुंडिया एक ऑल इंडिया पत्रकार है, साथ साथ में ये जैन है, साथ साथ में कट्टर सनातनी है, साक्षात ये एक गो भक्त है और महावीर का अनुयायी है। और इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि गुरुजी ऐसा ऐसा बात हुआ है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोग नहीं गए, तो हार्दिक हुंडिया ने कहा कि आप जाइए। मैं वहाँ गया और रात को ताले खोल दिए, क्योंकि पुलिस पसंद भी थी कि आज जैन समाज जागरूक थे। ये पहला पूरे इंडिया का, हिंदुस्तान का पहला है कि पहली बार किसी जैन मंदिर को ताले लगे। हमारी सरकार जो है ना, ताला खुलने का विश्वास रखती, ताला बंद करने में नहीं है। सर, दिवाली का क्या शुभकामना? देखो, दिवाली तो
हम इतनी ज़बरदस्त बनाएंगे कि हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू राष्ट्रीय सेना, सनातन, ऐसे हमारे लपीबिया बहुत सारे संगठन से जुड़े, पन बहुत सारे मेरे को आनंद है कि इस गौ माता के लिए बहुत सारे गोरक्षक मेरे मरे गए। अभी धारावाही के अंदर मालूम है ना आपको, वैष्णव को मारा गया, वो गोरक्षक ही था मेरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता ही था। हमारे अमरावती के अंदर ही दो चार, वो हमारा अमूल कोले मरा, वो भी हमारा गोरक्षक ही था। तो आज उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वो गोरक्षा के लिए मरे, और आज इसी सिंधे जो हमारी हिंदुत्व की सरकार सिंधे जी का, मैं तहे दिन का, तो आपने हमें इस दिवाली को गिफ्ट दिया है गौ माता को राज्य माता घोषित करने का। इससे बढ़कर हमारे जैन समाज के लिए और हमारे सनातन समाज के लिए दूसरा कोई गोप नहीं है। इसलिए पहली बार बिना हत्या के हम गो पूजन करेंगे। आज क्या मालूम है आपको, अपने मराठी समाज में क्या मानते थे गो पूजन के, गो पूजा होती है ना दिवाली में, गोवर्धन, पहली बार वास्तविक पूजा हमारी होगी। धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित किया। धन्यवाद है हमारे महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नागरिकर जी का, और धन्यवाद है हमने हार्दिक हुंडिया जी का, धन्यवाद हमें लप्पी सेठ जाजोदिया का, और मेरे हिंदू संगठन के इस कार्य को दीपावली को यही है कि गौ माता की पूजा करें और अपना गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। महावीर मिशन एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र गौ माता के लिए, हम लोग पूर्व पूज्य मुनिराज श्री नीलेश चंद्र विजय जी महाराज साहब की निचरा के अंदर हम लोग निकले हैं। नीलेश चंद्र विजय जी वो महाराज साहब है कि जिन्होंने जैन समाज के अंदर जो काम नहीं किया वो उन्होंने करके दिखा दिया। आज पूरा जैन समाज नीलेश चंद्र विजय जी महाराज साहब को एक ही बात कहता है, गुरुदेव आपने जो काम किया वो जिंदगी में किसी ने नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जैन शासन के इतिहास के अंदर तीन तीन दिन तक दरवाजे बंद रहे, ना पूजा, ना पक्षा, ना प्रतिष्ठा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव से बात हुई, गुरुदेव दौड़ते उग्र विहार करके अंधेरी आए और रात को 3 बजे ताला खुला के गए। पूरे जैन शासन के, जैन शासन देव की जय जयकार हुई। और नीलेश मुनि जी ने जो काम किया, इनका उपकार शायद ये हमारा पूरा समाज कभी नहीं भूल पाएगा। राहुल नावेलकर जी भी यहाँ पर आए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल नावेलकर जी गुरुदेव के परम भक्त है, वो गुरुदेव जहाँ बुलाते वहाँ आते, और गुरुदेव कहीं भी उनका काम होता है, सरकारी काम होता है, गुरुदेव फ़ोन करते तो राहुल नारवेकर जी की रात को 12 बजे भी गुरुदेव का काम पहले करते। वो परम भक्त होने के कारण गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए थे और आशीर्वाद लेके बहुत खुश होकर गए, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं। और उन्होंने बोला भी, मैं जीत के वापस आऊँगा सबसे पहले मैं गुरुदेव के पास ही आऊँगा और उनका ही आशीर्वाद लूँगा। दिवाली में फटाखे मत फोड़ो, अबोल जीवों को नुकसान हो ऐसा काम मत करो। और हमारे जो नीलेश मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने तो दिवाली हमको 15 दिन पहले ही दिवाली करा दी थी। भगवान के दरवाजे जब खुले, जब हमने मुनीश्वर स्वामी भगवान का जब मुख देखा, देखने के बाद ऐसा अद्भुत सीन आया, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से रात को 3 बजे दरवाज़ा गुरुदेव खोलेंगे और हम लोग दर्शन करेंगे। तो हमारी दिवाली तो उसी दिन मुनीश्वर स्वामी भगवान के दर्शन गुरुदेव के साथ करके हो गई थी। राजस्थानी 36 कौम की तरफ से हम, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे गुरु जी की प्रेरणा से ये जो प्रोग्राम का हमको लाभार्थी मिला है और इसके लिए हमको गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया है। आने वाले समय में राजस्थान से हम लोग पूरे गुरु जी के साथ में है और जितने भी कार्यकर्ता सब तन मन धन से गुरु जी के साथ में रहेंगे और आने वाले कोई भी कार्य होएंगे, हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और जितने भी कोई भी काम होएंगे हम गुरु जी के साथ में। मैं आज इस गौ हत्या अभियान में हमारे आदरणीय मुनि जी ने, जो नीलेश मुनि जी ने अभियान चलाया, मेरा यह मानना है एक अटल सत्य बात है जीवन की कि हम अगर बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। अगर हमको हमारे परिवार को बचाना है, हमारे देश को बचाना है, हमारे को हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों का भविष्य देखना है, अपने व्यवसाय को बचाना है, तो हमको एकजुट होके हिंदुत्व वाली सरकार को सबसे पहले बचाना पड़ेगा। हिंदुत्व बचेगा तो ये देश बचेगा और गौ माता भी बचेंगी। गौ रक्षा के प्रति जो हमारे राष्ट्र संत नीलेश मुनि ने आज अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ भगवान महावीर की वाणी के साथ हमें ये सिखाया कि हम अहिंसा के पुजारी है, लेकिन अगर हमारे मंदिरों में कोई ताले लगा देवे तो उस वक्त हमारा वो ओगा है वो हथौड़ा बन के भी काम आ सकता है। इसीलिए इस जमाने में गौ रक्षा के साथ साथ हमें हमारे धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए और उस धर्म की रक्षा के लिए हमें
राष्ट्र संत नीलेश मुनि जेरे महाराज साहब के हमारे को साथ सहकार जी। शंकराचार्य परम पूज्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी ने जब ये नेशनल कैंपेन टेकअप किया कि देसी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, तो नीलेश चंद्र मुनि जी से मैंने चर्चा करी कि भाई आप इतने वक्त से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपका सानिध्य इसमें इनसेपरेबल तरीके से लगेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बिल्कुल ज़रूरी है कि भाई देसी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, बट आज हम जो जिससे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो रियल इशू है उनका संरक्षण, एंड ये जब तक हम इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे ही लूप में घूमती रहेंगी। तो मैंने खुद, मेरी एक ज़मीन है रायगढ़ में, तो वहाँ एक गमड़ महाराष्ट्र का एक डेसिग्नेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोटिफाइड है जिसको गायमुख कहते हैं। वहाँ पे 12 महीने 24 घंटे एक बहुत स्वच्छ धारा पानी की एक गाय गौ माता का एक मुख उकेरा हुआ है, उसके मुंह से निकलती है और एक मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी और एक 108 गायों की इसी राज्य माता का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप होने वाला है कि भाई अगर आपके पास, अगर आपको पालन करना है तो आपको मिनिमम उतनी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। उस SOP के साथ देश की पहली 108 गायों की गौशाला वो मैं अपनी ज़मीन पे बनाने के लिए मैंने एक अंडरटेकिंग, मतलब एक मॉरल कॉन्शंस के तहत ली थी, और मेरी मतलब गुरु जी के, नीलेश चंद्र जी के सानिध्य में, आशीर्वाद से बस अब इस चीज़ को हम लोग ने ऑलरेडी कॉन्टोर सर्वे करने दे दिया है और इसको इस एक तरीके का शोकेस, एक सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल की तरह प्रमोट करेंगे कि इसमें इस मतलब आप लोग तो मतलब मैंने देखा है कि जैन धर्म के लोग जो हैं वो जीव दया के लिए इतना दान करते हैं, बट अब मैं चाहता हूं कि अब दान से ऊपर उठ के हर गौशाला जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड रहे, कि मतलब उनको दान की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो कि पूरा इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन्ड रहे और वही चीज़ें रेप्लिकेट होती रहे। तो मोहन खेड़ा थे के अधिनायक विश्व पूज्य राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब की पाठ परम्परा में विराजमान खास संत मुनि नीलेश चंद्र विजय जी के तीसरे परंपरा के तीसरे राज संत है और 11वें आचार्य बनेंगे, भावी आचार्य है, वो 11वें आचार्य की घोषणा बहुत ही जल्द हो जाएगी और गौ माता के लिए प्रखर गो भक्त है और हमेशा फिलहाल अभी अभी अंधेरी में एक जैन मंदिर की घटना हुई वो सभी को मालूम है, उसमें हार्दिक भाई उनके साथ खड़े थे, राहुल नागवेकर जी का भी बहुत सपोर्ट था और उन्होंने हमारे में शस्त्र नहीं उठाते, जब शास्त्र से नहीं मानते तो शस्त्र उठाना चाहिए। भारत की इस जो फाइनेंशियल राजधानी है जहां लोगों को समय नहीं है भोग विलास से, वहां लोग एक संत के नेतृत्व पे उनके आह्वान पे जुटते हैं और एक विषय गोरक्षा गौ माता के विषय पर चर्चा करने के लिए अपना समय निकालते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। और मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज का और जो भी आयोजक हैं, बात सिर्फ इस इवेंट की नहीं है, बात है मिशन की। यह इवेंट तो सिर्फ उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम है, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जुड़ने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ हुआ है और यहाँ जो स्पार्क मिली है लोगों को वो एक निरंतर अग्नि के रूप में प्रज्वलित होगी, जो दूसरों को जलाने के लिए तो नहीं लेकिन जगाने के लिए सदा कार्य करती रहेगी, उज्ज्वल करने के लिए। और ऐसी आशा है कि ये जो राज्य माता घोषित हुई है गौ माता, तो वो एक अपने आप में एक पायोनियरिंग का कार्य होगा, महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में भी फैलेगा, पूरे राष्ट्र में फैल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इफेक्टिव गोरक्षा में उसका योगदान होगा। क्योंकि इसके आगे जो आशा रखी जाती है कि राज्य माता घोषित करने के बाद में जो लीगल
उसका जो प्रभाव है लीगल गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर, जहाँ सिर्फ गायों को कसाईयों से बचाना नहीं बल्कि गायों के लिए व्यवस्था होना, क्योंकि गोरक्षा मात्र कसाईयों से बचाना ही नहीं है, गोरक्षा गो का मतलब मात्र गाय माता नहीं है, गो में गोवंश आता है संस्कृत के अंतर्गत, जिसमें सांड बछड़ा बैल सब कुछ है। और रक्षा का अर्थ है सबसे पहले हिंसक प्राणियों से, हिंसक मनुष्य से उसकी रक्षा ही है, साथ साथ में उसके लिए व्यवस्था जिसमें शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, प्रभावशाली औषधियाँ और गोचर जहाँ चरने के बाद उनको परम सुख मिलता है, तो ये सब समग्र जो व्यवस्था है उसे गोरक्षा कहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का जो मशीनरी है उसकी पूरा उसका यूटिलाइजेशन होगा, और गवर्नमेंट के माध्यम से फिर पूरा समाज उसके साथ जुड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में आएगा, और महाराज जी जैसे लोगों से परामर्श लेते हुए ये कार्य पेनिट्रेट करेगा गो विज्ञान के साथ में, स्पेशली यूथ में और तथाकथित जो समाज को लीड कर रहे सभी सेलिब्रिटीज में। तो मैं तो मात्र बधाई दे सकता हूँ और धन्यवाद कर सकता हूँ महाराज का और यहाँ के सभी आयोजकों का, और आशा करते हैं कि आगे ये सब इवेंट्स ऐसे ही होते रहेंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद। संघ के 10-15 परिवार और मंदिर का जो निर्माण करता दोनों मिलके ये मंदिर के ताले लगा दिए थे, वो बहुत ही दुर्भाग्यवान। और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम जो नीलेश मोदी जी मरा साहब आए थे और रात को उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके शाम को 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे और पूरी रात तक खड़े रह के इन्होंने ताला खुलवाया, बहुत ही सौभाग्य की बात है।